अगला अपना जो टॉपिक है वो है रिप्लाई टू एन इनविटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई कितने टाइप का है, मतलब कितने तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक समझना होगा, इनविटेशन। ये इनविटेशन क्या है? देखो, इनविटेशन क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जैसे अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमारे घर पे कोई गेस्ट आया और गेस्ट ने हमसे कहा कि भाई ये लो निमंत्रण पत्र और हमारे घर पे एक इस तरह से एक प्रोग्राम है, आपको प्रोग्राम में आना है। तो हमें क्या मिला? एक इनविटेशन, प्रोग्राम का इनविटेशन मिला और हम उस इनविटेशन को स्वीकार करते हैं और जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरह के इनविटेशन है यहाँ। एक तो है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल भेजा जाएगा फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव, जो अपने परिचित लोग हैं उनके लिए, और इसकी भाषा सेम वैसी ही होती है जैसी अपनी इनफॉर्मल लेटर्स की होती है। इसके बाद में अगला है हमारा फॉर्मल इनविटेशन। अब देखो, फॉर्मल इनविटेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑफिस से और बिजनेस से। ठीक है, तो दोनों को जवाब देने का जो तरीका है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है। जवाब देने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। इनविटेशन हमें दोनों तरफ से मिलेगा और जब हम जवाब देंगे तो उनका जवाब देने का तरीका भी डिफरेंट है। अब यहां पे एक चीज है, एक चीज समझो, इनविटेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, इनविटेशन हमें मिल रहा है तो इसके दो काम हो सकते हैं। पहला काम तो ये होगा कि हम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, ये तो पहला काम हो गया। और दूसरा काम क्या हो गया? हम उस इनविटेशन को क्या रिजेक्ट करेंगे क्या? भाई दो ही तो काम होते हैं, एक तो एक्सेप्ट करेंगे और दूसरा, पर भाई अपनी जनरल भाषा में हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं उसकी जगह पे? हम कहते हैं उसकी जगह पे कि हम लोग उस इनविटेशन में जाने में अनेबल, असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? क्योंकि हमारे पास काम आ गया, वी आर बिजी। ठीक है, अब पहले तो ये वाला उतार लो, पीछे वाला यहीं से उतारना शुरू कर दो। इनफॉर्मल रिप्लाई है तो इनफॉर्मल को भी एक्सेप्ट करेंगे और उसको रिजेक्ट भी करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम फॉर्मल रिप्लाई को एक्सेप्ट भी करेंगे और उसको रिजेक्ट भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, चार तरह के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चारों तरह के प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे उनको अब हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। इमेजिन यू आर तन्मय सिंह, मान लो तुम्हारा नाम क्या है, लिविंग इन स्वर्ण जयंती नगर भरतपुर, ये आपका एड्रेस दे दिया गया। योर अंकल, आपके अंकल ने, योर अंकल हैज इनवाइटेड यू, आपके अंकल ने आपको इनवाइट किया है ऑन हिज बर्थडे, अंकल का ही बर्थडे है। ठीक है, और 24 अक्टूबर 2022 इस दिन है। रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस चीज को देखो, रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए जवाब हमें लिखना है। अब किस तरह से लिखेंगे जवाब? जवाब जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में यहां पर स्वर्ण जयंती नगर भरतपुर, ये है राइटर का एड्रेस जो जवाब लिखने वाला है। और इस प्रश्न में यदि हम देखें तो जवाब लिखने वाला कौन है यहां पे? ठीक है, इसका एड्रेस आ गया और ये एड्रेस भी हमने यहीं से लिया है, यहां पे लिखा हुआ है स्वर्ण जयंती नगर भरतपुर, प्रश्न में से ही ले लिया। किसी को कोई समस्या? अगला देखिए, डेट, डेट आप लिख सकते हो लेकिन डेट में एक चीज का ध्यान रखना है आपको,
आपको जो प्रोग्राम है उससे पहले की डेट लिखनी है, 2-3 दिन पहले की। अब यहाँ पे प्रोग्राम है 24 अक्टूबर को, ठीक है, तो आपने डेट लिखी है यहाँ पे 18 अक्टूबर, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पे सैल्यूटेशन देंगे, डियर अंकल। अब इस लाइन को देखिए, यहाँ पे आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इनविटेशन ऑन, ये तो फिक्स रहेगा यहां तक का, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इनविटेशन, ठीक है। इसके बाद वाला, इसके बाद वाला जो है ये मैंने यहां पे थोड़ा इटैलिक करके लिखा है पहले ही, ये वाला जो है योर बर्थडे पार्टी, ये तो प्रोग्राम का नाम है जो कि आपको ऊपर दिया हुआ मिलेगा, ये वाला। और इसके बाद में ये ऑन के बाद में ये जो दिया हुआ है 24 अक्टूबर 2022, ये है उस फंक्शन की डेट, है ना। इसमें वेन्यू भी आ सकता है, यहां पे लिख सकते हैं एट देयर रेजिडेंस, एट देयर होम, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद में है आई एम प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। इस लाइन में कहा गया है कि इस इनविटेशन का हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो लाइन यहां पे लिखी हुई है। आई एम प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, मैं इनविटेशन को एक्सेप्ट करके प्रसन्न हूं। अगली लाइन, जब आपने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको अटेंड भी कर लीजिए, है ना। तो आपने लिख दिया यहां पे आई विल अटेंड द फंक्शन। इसके बाद में हमें जितने भी जो फॉर्म इनफॉर्मल वाले हैं, इनफॉर्मल वालों में हमें लिखना है योर्स लविंग, और फॉर्मल वाले जो होंगे बिजनेस वाले वहां पे लिखना है आपको योर्स सिंसियरली, ठीक है। और इसके बाद में राइटर का नाम आ जाएगा, यहां पे सिग्नेचर आ जाएंगे। अब एक चीज और देख लो बस, इमेजिन यू आर तन्मय सिंह लिविंग इन स्वर्ण जयंती नगर। अब आप कहां रहते हो, वही स्वर्ण जयंती नगर में। लास्ट वाला जो प्रश्न था सेम वही है, योर अंकल हैज इनवाइटेड यू, आपके अंकल ने आपको इनवाइट किया है ऑन हिज बर्थडे, उसकी बर्थडे पार्टी पर ऑन 24 अक्टूबर 2022, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि रिप्लाई एज यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, आप रिप्लाई कीजिए कि आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाओगे। सब कुछ सेम है, वही आपको सबसे पहले यहां पे एड्रेस लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको डेट लिखनी है यहां पे, फिर उसके बाद में वही डियर अंकल, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इनविटेशन ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन 24 अक्टूबर 2022। इसके बाद में ये लाइनें जो कि अलग कलर से लिखी हुई हैं, इन लाइनों को आप देख लीजिए, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल रीजन आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ये लाइनें रहेंगी जब आप किसी भी इनविटेशन को रिजेक्ट करोगे, किसी भी इनविटेशन को रिजेक्ट करोगे ना, तो ये लाइनें रहेंगी। अब चाहे वो बोले फॉर्मल वाला हो या इनफॉर्मल वाला हो, ये लाइन तो इनफॉर्मल के लिए है, ठीक है। फॉर्मल के लिए क्या होगा, एक बार देख लो बोर्ड की तरफ, फॉर्मल के लिए यहां पे इस आई को हटा के हम यहां पे लगा देंगे ही या सी। लिखने वाला यदि लड़का है तो ही लगा देंगे, और लड़की है तो सी लगा देंगे, ठीक है, बाकी डिट्टो रहेगी। ये है अपना इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल में यही लाइनें हैं, फॉर्मल जब आएगा तो उसमें भी सेम यही लाइनें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में योर लविंग तन्मय सिंह, बाकी सब कुछ सेम है, इमेजिन यू आर तन्मय सिंह, ठीक है। अब देखिए यहां पर उसका एड्रेस दिया हुआ नहीं है, यहां पर है एसडीएम ऑफ सांवर जयपुर, सांवर तहसील जयपुर का एसडीएम है ये व्यक्ति, ठीक है।
अब वो एक इंडिविजुअल ना रह के अब वो एक अधिकारी बन गया, ऑफिसर बन गया, ठीक है, ऑफिसर बन गया। इसलिए लेटर कौन सी कैटेगरी में पहुंच गया? ऑफिशियल कैटेगरी में। मेसर्स यशस्वी ट्रेडर एक दुकानदार का नाम है, बिजनेसमैन का नाम है। हैज इनवाइटेड यू, आपको आमंत्रित किया है ऑन द इनोग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह, इनोग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन समारोह ऑफ देयर न्यू शोरूम, उनका एक नया शोरूम है इन द सिटी, उसी शहर में, ऑन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को, ठीक है। अब इसमें पहला प्रश्न तो ये बनता है कि रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए आपको रिप्लाई करना है। अब यहां पे एक बात समझो सभी बच्चे कि ये वाला जो है, यहां पर हमारे पास जवाब देने वाला जो व्यक्ति है वो है एसडीएम, और जिसका नाम है, जिसके लिए लिखा जा रहा है वो है मैसर्स यशस्वी। अब एक बात समझो, यहां पे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो किसी भी लेटर का जवाब स्वयं नहीं देते, उनके पास हर लेटर का जवाब देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए एक पीए, पर्सनल असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो पर्सनल असिस्टेंट यदि उस लेटर का जवाब देगा तो वो तो एसडीएम के लिए कहेगा कि एसडीएम साहब, वो एसडीएम साहब के लिए मैं थोड़ी कहेगा, नहीं कहेगा ना, वो कहेगा कि एसडीएम साहब आपके प्रोग्राम में आएंगे, ऐसे ही तो लिखेगा। तो देखिए उसने लिखा है कि मिस्टर तन्मय सिंह थैंक्स मैसर्स यशस्वी ट्रेडर्स फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ देयर न्यू शोरूम इन द सिटी। अब ये वाली जो लाइन है, ही इज प्लीज टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ही विल अटेंड द फंक्शन, ये वही वाली लाइन है जो हमने कहां कराई थी, इनफॉर्मल में, एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। अब इसको है ना यहां से कल कराएंगे आपके लिए, अभी जा सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं कुछ प्रश्न, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे उज्जैन स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से इंग्लिश टीचिंग कराई जाती है। ग्लैड टू रिसीव योर इनविटेशन ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी। उसके बाद में ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेट, इसको लिख देंगे ऑन, इसको भी लिख देंगे इन, ये थोड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद में हमें क्या लिखनी है, कौन सी लाइन, देखो प्रश्न समझो, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, प्रश्न में लिखा हुआ है रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए हमें, ठीक है। तो अब यहां पे जो लाइन आएगी वो आएगी एक्सेप्टिंग वाली, कौन सी लाइन होगी, होती है बोलो, आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन, आई एम प्लीज।